बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुड्डू, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड्डू की दुनिया। आज मैं जल्दी से खाना बना रही हूँ क्योंकि गैस जाने वाली है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो आज मैं खाने में बनाऊँगी आलू गोभी। ये आलू गोभी इकट्ठे ही मैंने काट लिया है। ये टमाटर है, अभी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है। मैंने कहा चलो ऊपर प्याज रखती हूँ, तो फिर मैं वो कूट लेती हूँ क्योंकि 10 बजे गैस चली जाती है और गर्म होता है, तो मैं प्याज डालती हूँ। और गर्म हो गया, अब मैं डालती हूँ प्याज। प्याज लाइन ब्राउन हो गया, अब मैं डालती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब जल्दी जल्दी बना रही हूँ गैस की वजह से। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हो गया लाइट ब्राउन, अब मैं डालती हूँ टमाटर। साथ ही डाल देती हूँ हरी मिर्च। गोभी में हरी मिर्च और अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लहसुन हरी मिर्च तो चलो दो तीन डालनी चाहिए, अपनी मर्जी है। मैंने ये मेरा हर 4 डाली है। इसमें लहसुन और अदरक ये ज़्यादा डालना चाहिए। टमाटर नरम हो गया, अब मैं डालती हूँ गोल्डन मसाले। ये 1 चम्मच नमक डालूंगी, मिर्च मैं थोड़ी डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है, इसलिए कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अब हल्दी, हरी मिर्च डालूंगा, फिर लाल पीछी मिर्च कम डालनी पड़ती है। अब मैं पानी का छींटा लगाती हूँ। मसाले की बनाई अच्छी तरह से हो गई है, अब मैं डालती हूँ आलू गोभी इकट्ठे डाल दूँगी। मैं आग कम कर देती हूँ। आग मैंने कम कर दिया, देती हूँ
आलू गोभी का सालन हो गया तैयार। अब मैं डालती सब्ज धनिया, अब आपको डिश और करके दिखाते हैं। आलू गोभी का सालन हो गया तैयार। हम लगे हैं खाना खाने, फिर आपको बताते हैं कैसा सालन बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोटी भी हमारी तंदूर की आई है गैस की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।